तारिक और अमीन कहने वाले जरा सब्र करें, डेली मेल के आर्टिकल को पूरा तो पढ़ें। नून लीग का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जलजला मुतासरीन फंड चोरी के सिर्फ एक इल्जाम में माजरत की है। डेली मेल अब भी जलजला मुतासरीन के फंड चोरी करने के इल्जाम पर कायम है। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल दिया, कहा कि एनआरओ 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया, डेली मेल क्या करता। नून लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई, डेली मेल की मसरत पर मुसलसल गलत बयानी। डेली मेल के आर्टिकल के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ जलजला मुतासरीन फंड चोरी के सिर्फ एक इल्जाम पर माजरत। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल की खबर पर माफी नहीं मांगी। डेली मेल अपने इस इल्जाम पर कायम है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जलजला रिलीफ के लिए फंड चुराए। बस नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर किसी गलत काम का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की फ्रॉड से सादिक और अमीन बनने की कोशिश पर शहजाद अकबर ने शदीद रद्द अमल दिया, अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल रख दिया। डेली मेल के वजाहती बयान पर साबिक मुशीर एहतिसाब ने कहा कि एनआरओ 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया, डेली मेल क्या करता। अगर केस जीता है तो हर जाने के अरबों रुपए कहाँ हैं। बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जाम साबित न होने की बात की, खबर के सिर्फ एक हिस्से पर माजरत की। शहबाज शरीफ को इल्जाम से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की माफी मांगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जल्द आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।